वहीं छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। कांग्रेस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी को घेर रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहा कि त्योहार के दिनों में भी सरकार राजधानी को सुरक्षित नहीं रख पा रही है, करीब 9 से 11 मौत हुई है, ये सरकार अपराध रोकने में नाकामयाब साबित हो रही। पीसीसी चीफ के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया और कहा कि 10 महीने में साय सरकार ने क्या क्या किया है ये कांग्रेस को याद रख लेना चाहिए। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किए वादे पूरे नहीं किए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने भी कांग्रेस को घेरा है। इस त्योहार के दिनों में भी सरकार अगर सुरक्षित नहीं कर पा रही है छत्तीसगढ़ की राजधानी को और लगातार करीबन 9 से 11 मौतें हुई है। मुझे तो आज न्यूज में देख रहा था भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का कार्यकर्ता को भी चाकू मारा गया है। मतलब सोच लीजिए उनके पार्टी के कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का तो फिर छोड़ दीजिए, भगवान भरोसे है। मतलब इस सरकार में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये सरकार यह है कि अपराध को रोकने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। देखिए जिस प्रकार से 5 सालों में राज्य में कानून व्यवस्था किसी की स्थिति की दुर्दशा जिस भूपेश बघेल जी के सरकार में हुआ है, उस भूपेश बघेल जी को इस प्रकार के आरोप लगाने का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारी सरकार घटनाओं पर ठोस और मजबूत कार्यवाहियां कर रही है। न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों ने, छत्तीसगढ़ वासियों ने, बल्कि पूरे देश ने देखा कि इन 5 वर्षों में किस तरीके से छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया गया। जिस प्रकार की पूरे देश के उन हिस्सों में जहां जहां जिन प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं या हमारी मिली जुली हुई सरकार है जहां पर गठबंधन की, वहां पर भी एक नैरेटिव सेट किया गया कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के द्वारा। हर कांड के पीछे, हर घटना के पीछे, मैंने 4 घटना का उल्लेख किया है, 4 घटना के पीछे कांग्रेस के ही नेताओं का हाथ उसमें सम्मिलित है, गिरफ्तार भी है उसमें।